Hello everyone, my name is Faiz and welcome back to another video. Pimple and acne, this is the most common problem of every man and woman. आप लोगों के साथ भी बहुत बार होता होगा, यहाँ पिंपल आ गया तो यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया एंड इस प्रॉब्लम से आप परेशान हो जाते हो. सो गाइस, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो, आई प्रॉमिस यू दैट इस वीडियो के बाद आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. सबसे पहले हम देखेंगे पिंपल्स एंड एक्ने होते कैसे. हमारे स्किन के ऊपर जो सेबेसियस ग्लैंड होती है वो एक्सेस में सीबम मतलब ऑयल सिक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है इनसाइड द पोर्स एंड इस चीज़ से न्यू स्किन सेल्स की ग्रोथ तो होती है लेकिन साथ ही साथ जो डेड स्किन सेल्स होती है वो उस पोर्स के अंदर क्लॉग हो जाते हैं, मतलब अटक जाते हैं एंड ऐसे नंबर ऑफ डेड स्किन सेल्स साथ में आने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है एंड वो इन्फेक्शन एक बम के फॉर्म में स्किन से बाहर निकलता है एंड उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड इस चीज़ को हम पिंपल्स कहते हैं. अभी हमने देखा कि पिंपल्स होते कैसे एंड इसके बाद हम देखेंगे पिंपल्स क्यों होते हैं, मतलब उसके कॉजेज़ क्या है, रीजंस क्या है. सबसे फर्स्ट जो रीज़न है वो है हार्मोनल चेंजेस. अगर आप एक टीनेजर हो तो आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने वाले हैं एंड इस चीज़ की वजह से आपकी बॉडी एक्सेस में सीबम ऑयल सीक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है एंड इस चीज़ की वजह से आपके फेस के ऊपर पिंपल आना, एक्ने आना स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि अक्सर ये नॉर्मल होता है, कॉमन होता है एंड अगर आपको कुछ ज़्यादा ही शिकायत हो रही हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करवाना. सेकंड जो रीज़न है वो है अनहेल्दी डाइट. एक बात हमेशा याद रखना, जो आप खाते हो ना वही आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है. सो गाइस, आपको आपके डाइट के बारे में स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको आपके डाइट में से ऑयली फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड प्रोसेस्ड शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स आपको रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखोगे. सो गाइस, आपको आपके डाइट में प्रॉपर विटामिन्स कंज्यूम करने होंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम करने होंगे. अगर आपको स्किन केयर डाइट के ऊपर डिटेल जानना है तो मेरी वीडियो आई बटन के ऊपर क्लिक करके ज़रूर देख लेना. थर्ड जो रीज़न है वो है स्लीपलेसनेस. अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो तो आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे. इस चीज़ की वजह से आपकी बॉडी एक्सेस में सीबम ऑयल सिक्रेट करेगी, प्रोड्यूस करेगी एंड आपके फेस के ऊपर पिंपल्स आना, एक्ने आना स्टार्ट हो जाएंगे. सो गाइस, आपको 7 से 8 घंटा नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. हमारा जो फोर्थ रीज़न है वो है स्ट्रेस. अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है एंड इस चीज़ की वजह से आपकी बॉडी एक्सेस में सीबम ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है एंड इसकी वजह से आपके फेस के ऊपर पिंपल आना, एक्ने आना स्टार्ट हो जाते हैं. सो गाइस, ज़्यादा स्ट्रेस ना लो. इस चीज़ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो सुबह उठने के बाद या फिर रात को सोने से पहले. मेडिटेशन इज़ बेस्ट एक्टिविटी फॉर रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस. सो गाइस, अभी जो हमने देखा वो सारे मेन कॉजेज थे एंड इसके बाद हम इसके सोल्यूशन देखेंगे. सो सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो है बेसिक स्किन केयर रूटीन. सो गाइस, बेसिक स्किन केयर रूटीन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपका फेस इस चीज़ से क्लीन हो जाता है एंड आपके पोर्स क्लॉग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि ये पूरे डेड स्किन सेल्स निकाल देता है. सो गाइस, अगर आपको बेसिक स्किन के रूटीन के बारे में जानना है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके मेरी वीडियो ज़रूर देखना. सेकंड जो सोल्यूशन है वो है डोंट पॉप योर पिंपल, मतलब आपको आपके हाथों से पिंपल को फोड़ना नहीं है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो उसका जो इन्फेक्शन होता है वो आजू बाजू के एरिया में स्प्रेड हो जाता है एंड इस चीज़ की वजह से वहाँ पर भी पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड इवन आपके पिंपल का स्कार्स मतलब दाग वहाँ पे वैसा ही रह जाता है. सो गाइस, याद रखना, आपके फेस को बार बार टच मत करो, पिंपल को टच मत करो एंड जितना हो सके उतना क्लीनलीनेस मेंटेन करो. थर्ड जो सोल्यूशन है वो है स्टे हाइड्रेटेड. अगर आप 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली कंज्यूम करते हो तो इस चीज़ की वजह से आपके पोर्स क्लॉग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एंड आपकी स्किन क्लीन, क्लियर एंड हाइड्रेटेड लगती है. फोर्थ जो सोल्यूशन है हमारा वो है लाइफस्टाइल चेंजेस. आपको आपके लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको आपका डाइट प्रॉपर चूज़ करना पड़ेगा. आपको आपके डाइट में विटामिन ए, डी, सी, ई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब आपको कंज्यूम करने होंगे. अगर आपको स्किन केयर डाइट के ऊपर वीडियो देखना है तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. एंड आपको डेली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होगी. अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो स्वेट के ज़रिए आपका पूरा जो डर्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, वो निकल जाता है एंड आपका स्किन, आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है. सो गाइड्स, आपको प्रॉपर एंड डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड हमारा फिफ्थ वाला जो सोल्यूशन है वो है स्लीप वेल एंड डोंट टेक स्ट्रेस. अगर आप 7 से 8 घंटा प्रॉपर नींद लेते हो तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे एंड इसकी वजह से आपकी बॉडी कम सीबम सिक्रेट करेगी. इसका मतलब है आपको पिंपल एंड एक्ने नहीं होंगे. एंड अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो एक ही सोल्यूशन मैं देना चाहूँगा इसके ऊपर, आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ, बहुत इम्पैक्टफुल रिजल्ट है इसके. आप भी ट्राई करना, आप भी स्ट्रेस नहीं लोगे.
एंड अब मैं आपको एक क्रीम सजेस्ट करना चाहता हूँ, बेंजोल पेरोक्साइड, जो पिंपल एंड एक्ने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असरदार है। एंड अब मैं आपको एक इफेक्टिव होम रेमेडी बताने वाला हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ एंड वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। सो गाइज, इसके लिए आपको चाहिए संतरा, संतरे का जो छिलका होता है वो छिलका आपको ड्राई करना है एंड उसकी एक पाउडर बना लेनी है। एंड उसके बाद आपको 1 टीस्पून बेसन, 1 टीस्पून संतरा पाउडर, 2 टीस्पून मिल्क, 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड 1 पिंच ऑफ टर्मरिक, इन सभी का आपको अच्छे से मिक्सचर बना लेना है। एंड इस पेस्ट को आपको आपके फेस के ऊपर प्रॉपरली अप्लाई करना है एंड 15 से 20 मिनट के बाद आपको ठंडे पानी से इसको धो लेना है। आई होप गाइज, आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना एंड आपके एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जो पिंपल एंड एक्ने के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आपने अभी तक तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो दिस इज माय यूज़र नेम, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, जाओ वहाँ पे सपोर्ट दिखाओ। एंड अगर आपको किसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाना हो आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम ज़रूर मेंशन करना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो गाइज, अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। इट्स वेरी अमेजिंग टू सी यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेक्सी बाय।